केंद्र और राज्य सरकारें जनता से सड़कों के नाम पर कई तरह के टैक्स वसूलती है, बावजूद इसके आम जनता आज भी गड्ढों में तब्दील सड़कों पर चलने को मजबूर है। ताजा मामला गरियाबंद जिले का है। नेशनल हाईवे 130 सी गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे राहगीर आए दिनों हादसे का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार द्वारा इन सड़कों को ठीक किया जा रहा है। वही जब इस मामले को लेकर विधायक डमरू धर पुजारी से बात की गई तो उनका कहना है कि सड़कों को लेकर उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात की है, पैसा आते ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हाईवे सड़क का तो अभी हालांकि घोषित हो गया है सड़क का, मगर उसका बजट आने से उसको तत्काल काम चालू करेंगे। अभी मैं दिल्ली गया था और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी से मैं अपना आवेदन दिया हूँ और उसका जवाब भी आ गया है, और जैसे बजट मिल जाएगा वैसे काम चालू हो रहा है नेशनल हाईवे सड़क का। कब तक अनुमान है बजट आने का? नहीं, बजट आने का मंत्री के ऊपर है, मंत्री देंगे, जैसे बजट दे देंगे वैसे चालू काम हो जाएगा नेशनल हाईवे।